हम लोग अभी फैमिली एक बहुत ही अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली है, फिर भी मतलब मैंने मेरे पापा मम्मी को ना मतलब कभी भी कुछ चीज़ का घमंड करते हुए कि बड़ा बड़ा बात बोलते हुए किसी के सामने मैं नहीं देखी हूँ, कभी भी आज तक नहीं देखी हूँ। नहीं तो मतलब मैं किसी को ऐसे ये करके नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा दुनिया में हो रहा है ना आजकल, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत देख के ही इंसान कितना मतलब बड़ा बड़ा बोलने लगते हैं, बड़ा बड़ा ढींग हाँकने लगते हैं, मतलब ऐसा होता है। पर मैंने मेरे पापा मम्मी को कभी भी ऐसा घमंड ये सब चीज कभी भी नहीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और हम लोग को हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना ही चाहिए। हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का नहीं, सुबह, हाँ सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, और मैं ना ब्रेकफास्ट भी बना लिया है मैंने, और कर भी लिया है ब्रेकफास्ट, और ना फटाफट से मैं ना ये पनीर बना रही हूँ, पनीर की सब्जी लंच के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे ड्यूटी में, तो मुझे वो 12:30 बजे तक चले जाएंगे ना, तो मैं फटाफट से बना ले रही हूँ, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, पनीर का सब्जी है। तो बस मैं इसको ना थोड़ा तल तल के पानी में डुबो के रख रही थी ताकि थोड़ा नरम रहे। मैंने सिंपल से ही बना देती हूँ पनीर सब्जी, पर मुझे आज क्या लगा, मत इच्छा हुआ ना पनीर को आज ऐसे फ्राई करके पानी में डुबो के रख के और थोड़ा बड़ा पीस काट के बनाने के लिए, तो बस मैं वही कर रही थी। और ऊपर में जो तल के रखी थी ना, ऊपर में थोड़ा बहुत जो उसका तेल का कुछ वही आ गया था, तो उसी को निकाल रही थी सब। और इधर ना पनीर के साथ में जीरा राइस बनाने वाली थी, तो बस मैं ना कुछ भी पुलाव आइटम बनाती हूँ ना, तो मैं कुछ 15-20 मिनट ना जो चावल को भिगो के रख देती हूँ, धो के भिगो के रख देती हूँ, अच्छा बनता है उससे पुलाव वगैरह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस वही निकाल रही थी और इसको मैं ना धो के थोड़ा भिगो के रख दूँगी। ये देख सकते हो आप लोग, मैं इसको भिगो के रख दिया है, धो लिया है एक बार, पानी से वाश कर लिया है, अभी बस भिगो के थोड़ा देर रखने के बाद मैं बना लूँगी। और इधर मेरा बन भी गया था, और इधर मैं टिफ़िन ये पैक कर रही थी, टिफ़िन दे दूँगी मैं हस्बैंड को, उनको अभी जाना है ना, तो तुरंत नाश्ता किए है वह, तो अभी तुरंत खाएंगे ना तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं बस वही टिफ़िन को ही पैक कर रही थी। और ना ऐसे सब्जी के ऊपर मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे कोरिएंडर लीव्स ऐड करने से, बस वही ऐड कर रही थी। और ना जीरा राइस के साथ रोटी वगैरह पराठा वगैरह भी दे दूँगी, क्योंकि टिफ़िन में ना इतना राइस वगैरह देने से ना खाने को भी मन नहीं करता है, तो रोटी मिला के दे दूँगी, थोड़ा जीरा राइस और थोड़ा रोटी, मतलब 2 पीस रोटी माने पराठा। और मैं तो ऐसे ज़्यादा ही बनाई थी जीरा राइस, बट देखते हैं रात को बचता है तो खा लेंगे। और वही टिफ़िन पैक कर रही थी। और इधर शाम भी हो गए थे, मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे ड्यूटी से, और इधर वो बोले शाम को हम लोग को भूख लगता है ना बहुत ज़ोर से, तो बस मशरूम पड़ा हुआ था ये फ्रिज पे, तो बस नहीं थोड़ा पकोड़ा बना लो, जितना भी चाहने से ना नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, थोड़ा मोटे हो जा रहे हैं मोटे हो जा रहे, फिर भी भूख लगता है ना तो खाना पड़ता है, तो बस वही बना रही थी मशरूम का पकौड़ा, और वही कट कर रही हूँ मशरूम, सिंपल सा ही बना लूँगी, जस्ट बेसन हल्दी नमक और लाल मिर्च का पाउडर और जीरा थोड़ा ऐड करके उसको निकाल लूँगी तल के। क्या करूँ, इच्छा नहीं करने से भी भूख लग रहा है, खा ले रहे हैं तो बस सिंपल सा बेसन और कॉर्नफ्लोर वही सब ऐड करके फ्राई कर लूँगी। और ना इधर मुझे पूरी
बहुत ही आज ज़्यादा कपड़े में वॉश किए थे, पूरा वॉशिंग मशीन भर गया था कपड़े से, तो आज जैसे भी करके वॉश करना था, बस वॉश करके ना बालकोनी से पूरा कपड़े में ले आई थी और पूरा फोल्ड कर करके रख रही थी, क्योंकि जब का काम वही टाइम नहीं करने से ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो बस मैं सब कुछ जल्दी जल्दी पूरा सेट कर ले रही थी। मुझे भी ना काम इसे पड़ा रहना तो मेरा माथा बहुत ज़ोर दुखता है, जैसे भी काम सब जब का काम वही टाइम हो जाए ना तो वही बेटर रहता है, तो बस मैं वही कपड़े वगैरह सब सेट कर रही थी, सब रख रही थी, और ना बहुत सारा बेडशीट वगैरह, 3-4 बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे, वही धो के, तो ज़्यादा बेडशीट ही थे, तो बस वही सबको फोल्ड कर रही थी, और मेरे हस्बैंड आ भी गए थे अभी, तो हम लोग नाश्ता वगैरह भी कर लिए थे, उसके बाद मैं ये काम कर रही थी, फिर उसके बाद डिनर का भी तैयारी फटाफट से कर लूँगी, फिर मिलूंगी आप लोग से बाद में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है और काम फटाफट से कर लेना में ही मतलब बेटर है वो। तो सब कुछ करने के बाद इधर डिनर का भी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ फटाफट से। आज ना जैसे कि जीरा राइस बनाई थी ना मैं, तो बस मतलब मैं तो थोड़ा सा ही खाई थी, सुबह का नाश्ता भी बस एक ही रोटी खाई थी, मुझे ना एकदम खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, और ना इसीलिए मुझे थोड़ा चावल रहता है, चावल दाल सब्जी हरी सब्जी वगैरह ये सब खाने से ही मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं तो पुलाव उलाव वगैरह ना मुझे इतना पसंद नहीं है, तो बस मैं ना रात में सोची नहीं मैं बनाऊंगी आज थोड़ा सा चावल, और ना ये देखो मैं उस दिन जो पिठो भजा बनाई थी ना सारू देसी आलू आलू सबका, वैसे ही आज भी बना रही हूँ, वो टमाटर का थोड़ा खट्टा बनाऊंगी जो चटनी बनाऊंगी, और आज ना हम लोग मुनगा जो ड्रमस्टिक होता है ना उसका भी मैं बना रही हूँ, और बस यही कट कर रही थी उस दिन, तो मैंने सारा बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे हो अगर मेरा वीडियो जाके देख सकते हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी इसका, आप लोग जाके देख लेना मेरा इसको, ये डिश जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, और बस यही कट कर रही हूँ, मुनगा को भी कट कर रही हूँ मैं, और सिंपल सा चावल और वही टमाटर का चटनी जो मैं तावा में बनाती हूँ, वो बरी जो उड़द दाल का बरी भी आज ऐड करूँगी सोची हूँ, और ये जो भुजिया होता है हिंदी में बोल रही हूँ जिसको ओडिया में पिठो भजा बोलते हैं उसको बनाऊँगी, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है तो वो भी बोले थे नहीं आज यही बना लो तो खा लेंगे, तो बस वही बना रहे थे। और इधर मैं कुकर बैठा रही थी, वो सबको जो है पकाना भी पड़ता है, तो पहले ना एक सीटी मार के निकाल लूँगी, मैंने पहले वीडियो में सब इसका रेसिपी पूरा शेयर किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना इसका रेसिपी। ओके, बस वही दिखाती है, ये जो मुनगा है ना उसको सीटी नहीं लगाना है क्योंकि ना पूरा गल जाएगा, इसको सिर्फ ना यही जो कंटेनर मैंने पकड़ा है ना इसी में थोड़ा सा नमक ऐड करके गैस में या इंडक्शन में बिठा दूंगी, ज़्यादा भी पकाना नहीं है थोड़ा ही पकाना है। ओके, तो बस मैं वही बोल रही थी, ये मुनगा को मैं छोड़ दी, इसको नहीं करूँगी, कुकर में नहीं डालूंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी, इसको बस इंडक्शन या गैस में मैं पका लूंगी, और इधर मैं टमाटर को बिठाई थी वही दिखाती हूँ, चावल भी इंडक्शन में बिठा हुआ है, तो मेरा फटाफट से हो जाएगा, खाली इसी को बनाना है भुजिया को, और वही नमक ऐड करके सीटी कुकर को बंद कर रही थी, एक सीटी मारने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, और ऐसे ही मुनगा में भी नमक डाल के अभी मैं बिठा दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो मैं रजनी आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ और एक मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ बात करूँ, अभी मैं टाइम निकाल के आई हूँ, अभी भी बिजी हूँ मैं, डिनर बैठा के आई हूँ मैं, बस वो सब कुछ मतलब चावल उबल बिठाया है, तो बस वो 5-10 मिनट लगेगा, तो मैं सोची जो 10 मिनट में कुछ बात कर लेती हूँ, तो बस फुल डे फुल बिजी था, जैसे कि सुबह से ही पूरा जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा फुल हो गया था, तो आज ऐसे भी करके उसको वॉश करना ही था, तो बस उसको सब वॉश करने के बाद खाना वगैरह लंच वगैरह, फिर घर में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है,
करना भी चाहिए कि कुछ बिजी रहना चाहिए। मैं तो हमेशा सोचती हूँ मैं बिजी ही रहूँ तो ठीक रहेगा। बस वही कर रही थी और लगभग 11 बजे तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। लंच ब्रेकफास्ट सब मैं बना ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था ना 12:30 बजे, तो मैं सब कुछ बना ली थी 11 बजे या 11 बजे तक। उसके बाद मैं किचन में और एंट्री ही नहीं की हूँ, वैसे ही बर्तन सिंक में पड़ा हुआ था। अभी जस्ट मेरे हस्बैंड जब शाम में घर वापस आए हैं उसके बाद मैं गई, पूरा क्लीन वगैरह कर दिया और आप लोग को जो दिखा ही चुकी हूँ, मशरूम फ्रिज में पड़ा हुआ था उसका पकोड़ा वगैरह बना लिया। शाम में यार बहुत ही भूख लगता है और खाना भी चाहिए, भूख लगेगा तो नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। तो उसको बस खा लिया मशरूम का पकोड़ा और सॉरी वहाँ पर नमाज पढ़ रहे, मस्जिद है पास में, नमाज पढ़ रहे तो उसका आवाज आ रहा है ना। तो वैसे ही वही बोल रही थी कि चावल बनाया है डिनर में, चावल बिठाया हुआ है और वही जो मैं टमाटर का चटनी जो तावा में थोड़ा सा तेल देख के बनाती हूँ वही बैठाई हूँ। वो तो दिखाई चुकी हूँ मैं, सब करने के बाद ही वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके उसके बाद वही जो पिट्ठू भजा का रेसिपी आप लोग अगर नहीं देखे हो तो मेरे ब्लॉग में जाके पिछले वाले ब्लॉग में देखो, बहुत ही टेस्टी वाला है डिश है ये और जरूर से जरूर ट्राई करें ये वाला डिश। तो आज भी वही वही जो देसी आलू और जो सारू या जड़े बोल लो कुछ भी, और जो मुनगा जो ड्रमस्टिक बोलते हैं उसको उसको और आलू का पिट्ठू भजा बन रहा है। खाने का बहुत इच्छा किया क्योंकि ना हम लोग जो दोपहर में ना जीरा राइस बनाए थे और पनीर वगैरह बनाए थे, तो वो भी मैं बताई ना, तो जीरा राइस में मतलब थोड़ा सा चावल मतलब पूरा जो चावल नहीं खाने से ना अच्छा नहीं लगता, मुझको भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा ही खा ले, थोड़ा सा ही खाना है पर दिन में थोड़ा सा नहीं खाने से नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जीरा राइस में ना ऐसा मतलब पुलाव जैसा हो गया ना, तो उतना अच्छा नहीं लगता और मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, मुझे पनीर वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर पे जो भी हूँ मैं सब तरफ एडजस्टेबल हूँ, मैं खा लेती हूँ, कोई भी नहीं मुझे यही होने से चलेगा, मेरा यही होने से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पनीर बनता है, मुझे बनाने का सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कुकिंग वगैरह का, पर पनीर उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं कुछ ऐसा मेरा ऑब्जेक्शन नहीं, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद वही तो मुझे ना वो खाने जैसा नहीं लगा था, तो मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रहे थे कि आज वही पीठो भजा और टमाटर का चटनी बनाएंगे, आज बड़ी भी छानेंगे, वही जो उड़द दाल का बड़ी होता है ना उसको भी छान के वो टमाटर चटनी में ऐड करेंगे और उसके साथ ही डुबो डुबो के और थोड़ा सा चावल जीरा राइस भी थोड़ा सा बचा हुआ है बस उसी को मिला के। मैं सोच रही हूँ मैं जीरा राइस नहीं खाऊंगी, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मुझे बनाने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, दूसरों को खिलाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही थोड़ा सा मैं चावल खाऊंगी और इतना सा खाऊंगी थोड़ा सा पर खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसके बाद वो टमाटर चटनी के साथ वो जो पिट्ठू भजा है उसको डुबो के खाऊंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसे भी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। ओके तो फिर और वो मशरूम का जो रबर जैसा मशरूम तो देख देख के हमें बोर हो गई, हमारे फ्रीज में वो दो दो पैकेट पड़ा ही रहता है हमेशा, डेढ़ दो पैकेट, और हम लोग उसको खाते ही रहते हैं, रबर जैसा फील आ रहा है। उसी के लिए तो कल मैं जो दिखाई थी बाटी छत्तू रुगड़ा रूट का जो भी बोल लो उसका सब्जी बनाई थी, कितना खोजने के बाद वो छत्तू मिला यहाँ पर, और ये रबर छत्तू खा खा के हम लोग बोर हो गए और क्या करें, यहाँ पर देसी छत्तू अभी मिल भी नहीं रहा है, अभी लॉकडाउन के वजह से कोरोना के वजह से आ भी नहीं रहा है, यहाँ पर इतना सप्लाई भी नहीं है। तो आज जैसे कि फादर्स डे है तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो और माता पिता तो सबके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग कुछ भी जो भी है अभी ज़िंदगी में जो भी चीज़ सीखे हुए हैं सब हमारे माता पिता के वजह से ही सीखे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दूंगी, मुझे भी उतना पसंद नहीं, तो जो प्रैक्टिकल बात रहता है उसी को बोलने से ही बेटर रहता है। और तो जैसे भी
सभी को, सभी के लिए उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो वही, उन्हीं की वजह से आज जो भी है हम लोग उन्हीं की वजह से हैं। अब वो मेरे पापा हो कि वो आपके पापा हो, दुनिया के कोई भी पापा हो, कुछ भी ना, मतलब अपने सेक्रीफाइस करके सभी खुशी बच्चों को देने का कोशिश करते हैं, है कि ना? नहीं, और वही है। तो हम लोग को भी हमेशा उनका ध्यान रखना ही चाहिए। और मैं भी अपने पापा के बारे में बोलूँगी तो मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान है। तो हम लोग, मैं जोन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूरा सिंपल वाला फैमिली है, पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड है, कुछ मतलब बहुत ही अच्छा फैमिली है और सब कुछ अच्छा है। फिर भी ना, मैंने बचपन से देख मैंने अभी तक देखी देखती हुई आई हूँ। मेरे पापा मम्मी कभी भी, मतलब इतना, मतलब अपना सिंप्लिसिटी कभी भी वो लोग नहीं खोते हैं, है ना? वो सब चीज़ को, मतलब छोटे छोटे चीज़ में खुशी होना, वही चीज़ मेरे अंदर भी आया है, वही चीज़ मैं भी सीखी हूँ मेरे पापा मम्मी से। मतलब इंसान ना, मतलब हम लोग जितना भी आगे बढ़ जाए, जो भी हो जाए, अपना सरलता खोना नहीं चाहिए। वही मुझे भी अच्छा लगता है, एक मतलब सिंपल ही ज़िंदगी हो हम लोग, चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि मैंने अपना माता पिता से ही सीखा हुआ है, मैंने हमेशा मेरे पापा मम्मी को देखा हुआ है। हम लोग अभी फैमिली एक बहुत ही अच्छा, वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली है। फिर भी मतलब मैंने मेरे पापा मम्मी को ना, मतलब कभी भी कुछ चीज़ का घमंड करते हुए, कि बड़ा बड़ा बात बोलते हुए किसी के सामने, मैं नहीं देखी हूँ कभी भी, आज तक नहीं देखी हूँ। नहीं तो मतलब मैं किसी को ऐसे ये करके नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा दुनिया में हो रहा है ना आजकल, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत देख के ही इंसान कितना, मतलब बड़ा बड़ा बोलने लगते हैं, बड़ा बड़ा डींग हाँकने लगते हैं, कि मतलब ऐसा होता है। पर मैंने मेरे पापा मम्मी को कभी भी ऐसा घमंड, ये सब चीज कभी भी नहीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और हम लोग को हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना ही चाहिए, हमेशा खुश रहने वाले इंसान है, सब टाइम खुश रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। कुछ लाइफ है, अप एंड डाउन तो आएंगे ही, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आते हैं। पर ना, हर एक सिचुएशन में कैसे अच्छे तरीके से, मतलब मुस्कुरा के रहना है, वो सब कुछ मैंने अपने पापा मम्मी से सीखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा सब सिचुएशन में पूरा खुश रहती है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, और मेरे पापा भी। तो वही सब चीज़, सिंप्लिसिटी, जो हमारा अंदर सरलता है, उसको हम लोग हमेशा कायम रखेंगे ना, तो जिंदगी ही सिंप मतलब सिंप ओके। और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने से ना बहुत ही ज्यादा खुशी लगने लगता है, जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ये सब सब मैंने अपने माता पिता से ही सीखा हुआ है। उसके बाद जहाँ पर मैं, अभी शादी मेरा हुआ है, जो फैमिली अभी मेरा, जो मेरा ससुराल है, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा है। जो सास ससुर है, मैं उनको माँ बाबा बोलती हूँ, मेरे जो, मतलब मुझे जो जन्म दिए हैं उनको मम्मी पापा। तो जो माँ बाबा है, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा फैमिली है, कभी मिलाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही, कुछ चीज़ का घमंड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा से, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ वह दोनों फैमिली पूरा वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी कभी भी हम लोग, मैं तो आज तक कभी भी नहीं देख, ऐसा भी मेरा पापा कभी नहीं, हमेशा अपना लाइफ को पूरा सिंपल तरीके से चलाने का कोशिश किए हुए हैं, जो कि मैं सीखी हूँ। और जो हम अभी मेरे बाबा माँ हैं, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा लाइफ को पूरा अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, मतलब ये करते हैं। तो दोनों ही फैमिली, मतलब मैंने पाया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे। बस यही बोलना चाहूँगी, अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। और अभी रात की 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे टाइम पे सोना भी है, नहीं तो सुबह नींद, आँख नहीं खुलेगा, और उठना भी है जल्दी, ज़्यादा देर तक सोने से बहुत ही नेगेटिव फील आता है। ओके, 6 बजे के बाद तो उठना भी नहीं चाहिए। और बस अभी मैं जाऊंगी, सो जाऊंगी, तो बस ब्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर से। ओके, तो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।